तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और सर आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल वर्किंग प्रोफेशनल की पहली क्लास। हमने लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्सेल हम किसके लिए यूज करते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस पार्ट का यूज होता है वगैरह वगैरह। और आपको मैंने एक वीडियो आर्टिकल दिया था देखने के लिए जिसको हम प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने कुछ पार्ट देखे होंगे, बाकी बचे हुए पार्ट को आप लोग कंप्लीट जल्द से जल्द कर लीजिएगा। आपके पास अगर नोटपैड वगैरह है तो रख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिएगा जो इस क्लास में आपको लगेगा कि हाँ इस पे ज्यादा जोर देने वाली है। और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं आप टॉपिक से रिलेटेड, कोई आउट ऑफ द टॉपिक का सवाल है उसको आप जो है क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला था कि हम मेनू के हिसाब से चलेंगे, तो हम फाइल मेनू के हिसाब से चल रहे हैं। ये जो फाइल मेनू बार है उसी के हिसाब से आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस चीज को जानिए कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू बार में मिलेगा, इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेनू बार के अंदर जो ऑप्शन है उसकी वर्किंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, वर्किंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसे इंसर्ट नॉइज या पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज लेआउट मतलब कि आपको पेज की सेटिंग वगैरह कुछ करनी है तो पेज लेआउट में आप चले आपको मिलेगा ऑप्शन। अगर कोई फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला से रिलेट है फॉर्मूला मिलेगा। और दूसरी चीज इसी तरह से डेटा से रिलेटेड डेटा में, अगर रिव्यू है तो रिव्यू में, अगर विजिबिलिटी को चेंज करना है तो विजिबिलिटी में, बीबी से रिलेटेड कुछ चीज चेंज करना है तो डेवलपर में। तो आप ध्यान रखिए क्योंकि इंटरव्यू में आप बैठे हैं और आपको बोला कि पिवट टेबल लगाओ, तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मान लीजिए पिवट टेबल इंसर्ट में और आपने डेटा पे क्लिक कर दिया, फॉर्मूला पे क्लिक कर दिया, फिर इंसर्ट पे गए, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा कि आपको नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि तो अगर आपको नॉलेज होता तो डायरेक्ट आप इंसर्ट पे क्लिक करते। इसलिए इस चीज का जानना जरूरी है कि कौन सा और किस तरह का ऑप्शन किस तरह के मेनू बार में मिलेंगे ताकि आप सही सटीक ढूंढे। तो गीतांजलि जी मैं सही बोल रहा हूं ना? क्योंकि ये जो चीजें बता रहे हो मेरी दिमाग की उपज है, मेरी सोच है, मेरा एक्सपीरियंस, हो सकता है कि गलत हो तो आपको ऐसा लगे कि तो इसमें करेक्शन की जरूरत है, यू आर इनवाइटेड। अब हम फाइल मेनू बार में आते हैं। फाइल मेनू बार से पहले हम एक्सेल हेल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आगे चल के हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे और सारे चीजें को हमेशा याद रखना एक थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया और कंडीशन फॉर्मेटिंग आप भूल गए, आप पूरी तरह से नहीं भूले, थोड़ा सा हिंट मिलेगा तो आप वापस इसको रिकॉल कर लेंगे। वो हिंट कहाँ मिलेगा समझ गए? तो उसके लिए उस ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके उसके बारे में एक शॉर्ट नोट पता चल जाएगा। अब ये आपके इससे आपका हो जाता है ठीक है, अदरवाइज टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा टेल मी मोर, टेल मी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को ढूंढ के वो आपको दे देंगे, इसके यहां पे ढूंढ के दे देंगे, राइट। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। देखिए गूगल पे चीजें जो मिलती है वो तो ठीक है, पर गूगल पे हर एक चीज नहीं मिलती है, या हर एक चीज प्रूफ रीड हो वो गारंटी नहीं है, वहां पे कुछ चीजें गलत भी हो सकती है। सो आप जो है इस चीज का ध्यान रखें
पहले गूगल पे ना सर्च करके एक्सेल हेल्प पे सर्च करें। अगर आपके पास लोअर वर्जन है विंडोज 7 वगैरह है, सॉरी एक्सेल 7 वगैरह है, तो आप F1 प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प आ जाएगा, उस पर सर्च कर सकते हैं। 2013-16 में यार टेल मी मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप सर्च डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लिमिटेशन पता करना है कि एक्सेल में कितने रोज और कितने कॉलम है, और भी बहुत सारे चीज की मैं सीट कितना इंसर्ट कर सकता हूँ, मैं एक सेल में कितने कैरेक्टर टाइप कर सकता हूँ, एवरीथिंग अबाउट द लिमिटेशंस। तो मैं यहां भी सर्च कर सकता हूं या ऊपर में भी सर्च कर सकता हूं लिमिट, लेकिन किस पे जाना है, गेट हेल्प ऑन लिमिट, और इस पे एक्सेल स्पेसिफिकेशन अनलिमिट पे क्लिक कीजिए, आपको यहां पे वो चीज आ जाएगी। मैं एक्सेल हेल्प में चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्सेल हेल्प हमारा यूजर मैनुअल है। क्या है? यूजर मैनुअल, राइट? तो यहां पे जो चीज आप देखेंगे वो 100% प्रूफ होगी। अब तो लिमिटेशन में चेक करते हैं, यहां देखिए टोटल रो एंड कॉलम है, यहाँ 255 करेक्टर मतलब कॉलम की जो विड्थ है वो 255 तक ले सकते हैं। उसके बाद रो की हाइट, पेज ब्रेक, नंबर ऑफ करेक्टर के एक सेल में आप कितने करेक्टर टाइप कर सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि शीट्स इन द वर्कबुक में कितने शीट्स हम यूज कर ला सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक्सेल में या पूरी कंप्यूटर में अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि हम कोई भी एक्शन या कुछ भी करते हैं तो एक छोटा सा स्पेस या उसके अकॉर्डिंग का जो स्पेस है वो स्पेस जो है आपका कैप्चर होता है आपके मेमोरी और हार्ड डिस्क में, और आपका मेमोरी और हार्ड डिस्क अनलिमिटेड नहीं है, नहीं है ना सर? उसकी भी एक लिमिट है, कभी ना कभी तो भरेगी। तो वही चीज यहां पर है, तो आप बोल सकते हैं लिमिट इज नॉट डिफाइंड, डिपेंड ऑन सिस्टम कैपेसिटी। तो इस लिमिटेशन को पढ़ लीजिएगा। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या जरूरत है पढ़ने की? अब जितना बड़ा हमारा कॉलम की साइज होना होगा उतना बड़ा हो जाएगा क्या? अब मैं इसको जितना खींचूंगा हो जाना चाहिए। देखिए ये चीज आप नॉर्मल एक्सेल पे तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप कल के डेट में आप वीवीए इस्तेमाल करोगे, वीवीए के जरिए एक बड़ा सा डेटा एक कॉलम में शो करना, एक बड़ा सा डेटा को कॉलम में शो करना, तो उस समय क्या होगा कि आपको एक बड़ा कॉल डेटा चाहिए होगा, बड़ा एरिया चाहिए होगा, और आपको लिमिटेशन के बारे में पता नहीं है। आपने लिख दिया कि रेंज कॉलम ए डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू 500, अब 500 इसकी लिमिटेशन से बाहर एरर दे देगा, उस समय एरर को खोजने में दिक्कत होगी। पहले चीज, दूसरी चीज यहां देखिए कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ करेक्टर ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर इफ के अंदर में कितने नेस्टेड इफ लगा सकते हैं, कितनी बड़ी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जब तक फॉर्मूला का लेंथ 32,767 न चला जाए, इफ वन, इफ आई और एफ दो, ब्रैकेट तीन, ए चार, वन पांच, फाइव छह, ऐसी 32,767 करेक्टर से ऊपर जाएगा तो आपका फॉर्मूला काम करना बंद कर देगा। तो इन सब चीजों की लिमिटेशन है, तो एक बार आप कैजुअली इसको पढ़ लीजिए। ठीक है गीतांजलि जी, ठीक है समीर जी एंड योगेंद्र जी, जी ओके है। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट, शॉर्टकट। देखिए किसी भी ऑप्शन को दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। पहला कि आप उसकी जो जैसे कॉपी करना है आपको, तो इस कॉपी का जो मेनू बार में दिया हुआ है ऑप्शंस, इसको आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उस पर क्लिक करते हैं, या
आप कंट्रोल सी उसका शॉर्टकट इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टकट से आप काम करते हैं, आप माउस को बहुत ही कम यूज करते हैं, और शॉर्टकट तो आपको कमांड हो गया है, तो माउस की अपेक्षा आप शॉर्टकट से 30% ज्यादा फास्ट काम करेंगे, ऐसा सर्वे कहता है और मैं भी इस बात को एग्री करता हूं। तो कैसे पता चलेगा शॉर्टकट? तो दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जिस पर जिसका शॉर्टकट पता करना है उस पर कर्सर रखिए। स्क्रीन टिप्स में आपका यहां पे कंट्रोल सी दिख गया ना मैम, बट मुझे इसकी लिस्ट चाहिए ताकि मैं इसको प्रिंट आउट निकाल के स्क्रीन पे लगा सकूं। तो कैसे करेंगे? तो उस केस में हम वही हेल्प की सहारा लेंगे, हेल्प पे जाएंगे और शॉर्टकट लेंगे। हम गूगल पे नहीं जाएंगे। इसी में देखिए एक्सेल शॉर्टकट या फिर एक पे फंक्शन की नहीं आता। या कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, और यहां पे देखिए शॉर्टकट लिस्ट आपके पास है, सारे शॉर्टकट लिस्ट है यहां पे, ठीक है। अब इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट लिस्ट जो है मैं हमेशा इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका रीजन ये है कि मैं अगर माउस से काम करता हूं, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको पता चला कि मैंने कॉपी पे क्लिक किया, मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर दिया। मैं ना बोलूं कि मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे कीबोर्ड का टेलीकास्ट तो नहीं हो रही है, मेरी स्क्रीन की टेलीकास्ट हो रही है, इसलिए मैं शॉर्टकट बहुत कम यूज करता हूँ। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट आपको बता दिया, अब इसमें डिस्कस यहां पे करते हैं कि अगर मान लीजिए इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। तो मैं अपने स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि आपके जो ऑफिशियल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा टाइम होगा, ऑफिस आवर में मान लीजिए कि आपके पास ऐसा 2 घंटे 1 घंटे है जिसमें आपके पास काम कम है, या काम है तो उसका डेडलाइन नहीं है कि हाँ मुझे शाम तक ही देना है, तो उस समय आप माउस का बिल्कुल यूज ना करें, अवॉइड करें, या कहो तो बहिष्कार करें। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि मैं उसी पीरियड में करें जिसमें काम कम हो या आपके पास डेडलाइन कम हो, क्योंकि शुरुआत में आपको हर कीबोर्ड को देखना पड़ेगा तो कमांड लाने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस की चीजें है। तो धीरे धीरे वो 2 घंटा आपका जो है ऑफिस आवर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप बिल्कुल कीबोर्ड से खड़ा कर यूज करेंगे। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू में माउस हाथ नहीं लगाते हैं, हम कीबोर्ड से लगाते हैं, कीबोर्ड पे खड़ा कर की आवाज आती है एकदम जैसे, तो सामने वाला इंटरव्यूअर समझ जाएगा ही हैज द एक्सपीरियंस, क्योंकि कीबोर्ड पे कमांड रट्टा मारने से नहीं आता है, यूज करने से। जैसे कि आपको एंटर मारना है तो आप माउस पे नहीं देखते हैं, कीबोर्ड पे नहीं देखते कि एंटर मारना है, आपका दिमाग सोचता भी नहीं है, बस उंगली एंटर मार देता है। क्यों? क्योंकि एंटर को आपने बहुत ही ज्यादा यूज टू कर दिया है। तो धीरे धीरे एंटर की तरह सारे के सारे कीज आपके उंगलियों पर याद हो जाएंगे और आपका उंगली और आपके दिमाग के साथ तालमेल बैठा के वो अपना आप काम करते चले जाएंगे।
अब इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि सारे ऑप्शंस का कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे अगर कलर अप्लाई करना है तो इसके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, या है भी तो मुझे पता नहीं, तो आप जस्ट अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करें। कीबोर्ड में क्या प्रेस करें? ऑल्ट की। जैसे कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करेंगे आपके मेनू बार पूरा एक्टिवेट होगा। करने का मतलब यह है कि आप कीबोर्ड से भी अपने क्या बोला आपने प्रेस करने के लिए ऑल्ट की ओके आपका पूरा मेनू बार एक्टिव होगा। मुझे वो होम मेनू में जाना है, मान लीजिए होम मेनू में जाना है तो यहाँ पे आपका एच हो गया, एच पर होम, हमने होम मेनू ले ली। अब देखिए होम मेनू बार एच प्रेस करते ही होम मेनू बार के सारे मेनूज जितने भी कमांड है सबके सामने एक लेटर्स आ गए, शॉर्टकट आ गए। जैसे कि कलर करना है तो एच, तो मैंने एच प्रेस किया एंड सिलेक्ट द कलर विथ योर एरो की एंड अप्लाई करने के लिए एंटर प्रेस कर। उसी तरह से मुझे बॉर्डर प्रेस करना है, ऑल बॉर्डर, उसे हम ऑल्ट एच बी आ रहा है ना बॉर्डर के नीचे बी, तो बी और ऑल बॉर्डर तो ए। अब देखिए एक ट्रेंड बन गया, एक शॉर्टकट याद हो गया, याद करने का तरीका भी हमें पता चल गया कि ऑल्ट एच फॉर होम, बी फॉर बॉर्डर, ए फॉर ऑल बॉर्डर। तो नेक्स्ट टाइम में आप ऑटोमेटिक आप चले जाएंगे तो आप बिना माउस यूज किए भी कीबोर्ड के जरिए आप इसके अंदर घुस सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द राइट क्लिक? राइट क्लिक के बारे में क्या करें? तो आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे विंडो की और कंट्रोल के बीच में एंटर के नीचे, एंटर और शिफ्ट के नीचे एक लिस्ट का बटन होगा, दैट कॉल राइट। तो कीबोर्ड से भी आप राइट क्लिक प्रेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर कहाँ होता है, क्या होता है, तो चलिए मैं आपको उसकी इमेज दिखा देता हूं कि किस की बात मैं कर रहा हूं जो कि राइट क्लिक का काम होती है। मैं बात कर रहा हूं इमेज में, मैं इस की बात कर रहा हूं। सबको समझ में आया? रविंदर जी, गीतांजलि जी, रविंदर जी, जी सर जी, समझ में आ गया ना? तो इस की को जैसे हम प्रेस करेंगे अपने एक्सेल सीट पे तो मेरा राइट क्लिक हो जाएगा। अब राइट क्लिक करते जो लिस्ट निकला या किसी भी लिस्ट में आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस है उसके नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, जैसे कट के नीचे है, सी के नीचे है, तो उसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। तो जिसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है दैट्स जो है वो शॉर्टकट्स है। जैसे मुझे फॉर्मेट सेल पे प्रेस करना है तो फॉर्मेट सेल में F के नीचे लगाओ, तो मैं कीबोर्ड का F प्रेस करूंगा तो मेरा फॉर्मेट सेल यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, और हाँ फॉर्मेट सेल में भी मैं आप जैसे इस पे है प्रोटेक्शन पे है, मुझे नंबर पे आना है तो आप कंट्रोल टैब करेंगे तो आ जाएंगे। मुझे नंबर पे नहीं, मुझे फॉन्ट पे जाना है तो कंट्रोल टैब, नहीं मुझे फॉन्ट से वापस अलाइनमेंट पे आना है तो कंट्रोल टैब के साथ कंट्रोल शिफ्ट टैब कीजिए। कंट्रोल शिफ्ट करते हैं तो बैक में आए क्योंकि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है। अब मुझे इसके अंदर जाके रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो अपने कीबोर्ड का टैब की प्रेस करें तो जर्नल पे आ जाएंगे। इस पे अब इसको सिलेक्ट करना है तो एरो की से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, एरो की और एंटर से ऐसे यहां पे आए डब्लू प्रेस कर दे, रैप या स्पेस बार प्रेस करें या डब्लू। डब्लू क्यों? क्योंकि डब्लू के नीचे अंडरलाइन है।
और ओके कर दे, आपका अलाइनमेंट हो जाए। तो इस तरह से आप टैब्स इसके अंदर जाइए, कंट्रोल टैब से आप नेक्स्ट वाले टैब में जाइए। वैसे फॉर्मेट सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल के हर फीचर्स की बात कर रहा हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे पिवट टेबल लगाना है, तो यहां पे आप कर सकते हैं अल्ट एन और वी, वी बोर्ड पिवट टेबल अप्लाई हो गया। इसमें मुझे एक इसमें मुझे मान लीजिए कि एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे जाना है तो टैब का यूज करेंगे। अब टैब प्रेस करने से मेरा एक्सटर्नल डेटा सोर्स पे कर्सर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना सर, तो उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल डेटा में देखिए यूज पे यू के नीचे है तो मैं यू को प्रेस करूंगा। जैसे यू को प्रेस किया क्लिक हो गया, अब मुझे कनेक्ट, अब इस पे देखिए इस पे आ गया कनेक्शन, या फिर सी को प्रेस करेंगे तो कनेक्शन खुल जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट के बारे में सारा फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को। धनंदा जी, गीतांजलि जी एंड अविंदर जी, रमेश जी ऑल्सो जी, तो इसका इस्तेमाल आप अपने ऑफिशियल लाइफ में जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कुछ अल्टरनेटिव के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप एंटर प्रेस करते हैं तो कर्सर नीचे आता है, टैब प्रेस करते हैं तो आगे जाता है। ऐसे कर्सर को मूव करने के लिए हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी एरो की को बिजी किया जा सकता है स्क्रॉल में। आपने कीबोर्ड का स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक को अगर ऑन कर देते हैं तो क्या होगा कि अब एरो की से आपका स्क्रॉल मूव होगा, ना कि आपका कर्सर। तो स्क्रॉल लॉक आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, यहाँ स्क्रॉल लॉक होता है, ऊपर स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है। तो उस केस में कर्सर कैसे मूव करेंगे, तो मुझे स्क्रॉल लॉक हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं हटाना नहीं चाहता हूं, तो आप एंटर का यूज कर सकते हैं, टैब का यूज कर सकते हैं। बट एंटर तो नीचे करती है, टैब साइड में करता है, तो उस केस में हम शिफ्ट के अल्ट इंटरफेस एंटर प्रेस करेंगे, कर्सर डाउन होगा, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेगा तो हमारा अप होगा, डाउन एंड अप। ऐसे ही टैब यूज करेंगे तो कर्सर आगे जाएगा, शिफ्ट टैब करेंगे तो पीछे आएगा, पीछे आ गया, टैब से आगे एंड शिफ्ट टैब से पीछे। तो जैसे कि मैंने बोला होता है कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम है, क्लियर है सर? गीतांजलि जी, योगेंद्र जी, रमेश जी, हाँ हाँ जी क्लियर है। तो शॉर्टकट का फंडा आपका क्लियर हो गया, लिमिटेशन का आपने पढ़ लिया, एक्सेल हेल्प के बारे में आप जान गए कि एक्सेल हेल्प क्या होता है, राइट। अब हम बात करते हैं फाइल मेनू बार में सबसे पहला ऑप्शन न्यू का। जब भी हम अपना कोई एक्सेल वर्कशीट खोलते हैं तो इस तरह का विंडो आता है, जो कि विंडो आपके सामने दिख रहा है, इसी तरह का विंडो आता है, आता है ना। तो इसे हम लोग ब्लैंक वर्कबुक लेके आप चले जाते हैं। उसके अलावा क्या है, एक तो यहाँ पे आपके हेल्प है, टूल ऑफ योर एक्सेल वर्कशीट, गेट स्टार्टेड विद फॉर्मूला, ट्यूटोरियल्स वगैरह है, ठीक है। योगेंद्र जी प्लीज वेबकैम ऑफ कर दीजिए, वेबकैम की जरूरत नहीं है। वेबकैम से आपका इंटरनेट की जो है स्पीड है कम जाएगी, मैंने ऑफ कर दिया है। तो यहां पे आपका चार्ट है, ये चीजें आप अपने हेल्प के लिए ले सकते हो या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे देखते हो आपके टेम्पलेट। अब टेम्पलेट जो है ये क्या है, चीज को जानिए। जब भी आप मान लीजिए कि कोई चीज खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक सिलाई मशीन ही खरीदा, तो सिलाई मशीन के साथ में कुछ सैंपल्स आपको दिया जाता है कि हाँ इस मशीन से इस तरह की सिलाई होते हैं।
उस तरह से माना आपने अवन खरीदा तो अवन में आपको एक बुक की रेसिपी दी जाती है कि इस अवन से आप इस तरह के व्यंजन बना सकते हैं। सेम उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने आपको यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट दिया और बताया कि हम इस तरह की चीजें एक्सेल में कर सकते। तो एज ए लर्निंग में आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि हाँ कौन किस किस के ऑप्शंस है, ताकि आपका माइंड सेट हो और जब आप अपने हिसाब से कुछ बनाने चले तो इसका रेफरेंस ले सकते। पहले दूसरी आप इसका हेल्प भी ले सकते हो। और आपके बॉस ने बोला कि एक मुझे वर्क ऑर्डर बना के दो, मैंने एक काम असाइन किया है, मान लीजिए बिल्डिंग की रेनोवेशन का काम हमने असाइन किया है और हमारे वेंडर को वर्क ऑर्डर देना है, तो एक वर्क ऑर्डर का फॉर्मेट बना के दो। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्क ऑर्डर आपने आज तक बनाया ही नहीं, या आपको कभी देखा ही नहीं कि कैसा फॉर्मेट होता है। तो गूगल पे जाके सर्च तो करोगे, उससे पहले एक बार एक्सेल है मैं सर्च करके देख लो वर्क, लेकिन इसके लिए इंटरनेट की कनेक्शन होना जरूरी है। ये देखिए वर्क शेड्यूल है, डू टू लिस्ट है, यहाँ पे देखिए वर्क ऑर्डर ट्रैकर, ये आपका वर्क ऑर्डर भी आ गया। तो इस तरह से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते, यानी मान लीजिए इनवाइस बिल बनाना है आपको, यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं बिल पे, एंटर किया तो जो बिल से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको यहां पे आ जाएगी, बिल स्टेटमेंट इनवाइस जो भी आपके आपके अकॉर्डिंग मैच करता है उसको आप क्लिक कीजिए एंड आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसकी जो बाकी जो डिटेल्स है चेंज कर लीजिए और इसको यूज कर लीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। तो आपको आपके पास अभी तीन काम है जो करने हैं। पहला लिमिटेशन को पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है पढ़ना है, शॉर्टकट को एक बार नजर मार लेना है बट उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, यूज टू करना पड़ेगा तो उसको देख लीजिएगा। तीसरी चीज आप फाइल मेनू बार में बहुत जितना हो सके उतने टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके आप उसको एनालाइज करो, जैसे कि यहां देखिए ना एक्यूमाइड क्लियर यहां दिखे आपको, अब इसको आपने क्रिएट कर दिया। एक्यूमाइड क्लियर में आप देखिए कि अगस्त का आपका कैलेंडर है, यहाँ पे क्लिक करते हैं 2019 ईयर है अगस्त, हर महीने का आता है, आपने देखा यहाँ पे क्लिक करते ड्रॉप डाउन आ रहा है कि हम मंथ चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया कि हाँ एक्सेल वर्कशीट में मैं ड्रॉप डाउन क्रिएट हो सकता है, ये अगर आपको पता है तो कैसे क्रिएट होगा वो हम बता देंगे या फिर ढूंढ लेंगे। तो पहले पता तो होना चाहिए क्या इस तरह की सर्विस भी होती है, अगर होती है तो वे फाइंड आउट रिजल्ट मैं फाइंड कर सकता हूँ, समझ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके कैलेंडर्स के नोट्स दिए हुए हैं, अब इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मेटिंग इसने कैलेंडर का बनाया हुआ है और हर महीने का यहाँ पे दिया हुआ है जो कि लिंक है और एक को चेंज करते हैं सबका चेंज हो जाता है। इसलिए आप 10-15-20 टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे एंड उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कंटिन्यू कीजिए और जो मैंने वीडियो भेजा था उसको भी कंटिन्यू। आपने जो टेम्पलेट का है डाउनलोड करके उसको क्या करना है, हमें जस्ट रिव्यू करना है, रिव्यू देखिए रिव्यू करना, ओके ओके रिव्यू कर लेंगे तभी तो आगे जानेंगे कि बनेगा कैसे, आइडिया रहेगा, ठीक ठीक है। सब चीज मेरे ऊपर छोड़ देंगे तो मैं भी तो मशीन नहीं आदमी हूं ना, मान लीजिए मैंने कुछ चीज बताना भूल गया तो एटलीस्ट आप तो रिमाइंड कराएंगे ना मुझे, इस तरह की चीजें हमने टेम्पलेट में देखी थी बताइए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल सेम टाइम, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है उनको मिल जाएगा। ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू।